हाय फ्रेंड्स, क्रिएटर शशि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हल्दी की सब्जी बनाने में बहुत ही मजा आने वाला है, प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हल्दी ली है, जिसको मैंने छीलने के बाद में अच्छी तरीके से धो लिया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ तो कद्दूकस कर ली है और कुछ अभी रखी है, तो मैं इसको भी कद्दूकस कर लेती हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर मैंने सारी हल्दी को कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए। आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर देती हूँ और गैस ऑन करने के बाद में मैं यहाँ पर इस पर पैन चढ़ा देती हूँ। पैन चढ़ाने के बाद में हमें इसमें घी डालना है, तो चलिए अब मैं इसमें घी भी डाल लेती हूँ। इसमें मैं 3 बड़े चम्मच भर के घी डालूंगी, क्योंकि इसमें घी ज्यादा लगता है और घी से ये टेस्टी भी लगती है। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैंने 150 ग्राम घी ले लिया है। और अब तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा घी बिल्कुल अभी तेज गर्म नहीं हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसमें मैंने जो 8-10 काजू लिए हैं उसको भून लेती हूँ। मैं हल्का सा ही फ्राई करना है, तो यहाँ पे मैंने गैस को कर रखा है लो टू मीडियम ही। यहाँ काजू को भूनते हुए मुझे लगभग आधा मिनट हो गया है, यानी कि 30 सेकेंड हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पर घी से मैंने काजू को अलग कर दिया और यहाँ मैंने एक बाउल भरकर मटर के दाने लिए हैं, तो मटर के दाने भी मैं धीरे धीरे करके और घी में डाल देती हूँ। क्योंकि मटर में पानी है इसलिए इसके छींटे उड़ेंगे, इसलिए मैंने धीरे धीरे स्लो स्लो करके मैंने इसमें मटर के दानों को डाल दिया है। अब हमें लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेना है। यहाँ मटर को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और मटर चटकने लगी है, तो मैं यहाँ पर इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मटर भी अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है। तो अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़ी हरी मिर्ची ली है इसमें डालने के लिए, इस तरीके से काट लिए हैं। यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, अदरक का टुकड़ा भी मैंने रफली काट लिया है। यहाँ पर मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, 1 इंच मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 2 लौंग लिए मैंने यहाँ पर। तो अब हम इसको कूट लेते हैं, दरदरा कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर राई ली है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मेथी ली है और 1.5 टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है सौंफ। अब हम इसको कूट लेते हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको केवल दरदरा ही कूटूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेथी, सौंफ और राई ली थी, उसको भी मैंने दरदरा कूट लिया है। यहाँ पे मैंने मोटी इलायची, दालचीनी और लौंग को कूट लिया है। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं और ना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको कूट लिया है, साथ में ही मैंने सौंफ, मेथी और जो मैंने राई ली थी उसको भी दरदरा कूट लिया था, तो इसको भी। तो अब मेरे पास बचा है अदरक और हरी मिर्ची, तो इसको भी मैं कूट लेती हूँ। अदरक और हरी मिर्ची को भी अच्छे से क्रश कर लिया है, कूट लिया है, ये देखिए। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है और 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर लिया है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया था, अब मैं वापस गैस को ऑन कर लेती हूँ। यहाँ मैंने 250 ग्राम हल्दी के लिए 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पर दही लिया है। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर हींग लिया है। तो यहाँ पर हमारा घी गर्म हो रहा है अभी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सिंपल हल्दी को भी केवल सब्जी के रूप में बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मटर और काजू लिए हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपकी इच्छा हो तो डालिए, अन्यथा मत डालिए। यहाँ पे हमारा घी गर्म हो गया है, मैं डाल देती हूँ इसमें जीरा और डाल देती हूँ हींग। हींग जीरा भुन गया है, तो मैं बाकी के जो मसाले हैं जो ये लिए हैं मैंने कूट करके, ये भी मैं डाल देती हूँ और गैस को कर देते हैं हम बिल्कुल सिंपल। और अब मैं पहले डाल दूंगी हल्दी। यहाँ पर हम हल्दी को थोड़ा फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पर इसको मुझे भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और इसका पानी काफी हद तक सूख चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें डाल लेती हूँ जो हमने ये लाल मिर्ची पाउडर लिया है, इसको भी मैं डाल करके थोड़ा भून लेती हूँ। और अब मैं डालूंगी दही। गैस को हमें स्लो कर लेनी है, नहीं तो दही हमारा फट जाएगा। तो यहाँ पे मैं दही डाल लेती हूँ। और दही को अच्छे से फेटेंगे इसमें। सब्जी को हम जब तक हमारी सब्जी में उबाल नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे चलाते रहना है। यहाँ पर हमारी सब्जी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है और ये देखिए कितना शानदार कलर निकल कर आया है सब्जी का। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पर अदरक और मिर्ची भी कूट कर ली थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है, लेकिन वो क्लिप स्लिप हो गई है इसलिए वो इसमें शो नहीं कर पाई। अब मैं इसे 2 मिनट ढक कर पकाऊं। जो नमक लिया है वो भी डाल देती हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है। तो फ्रेंड्स, इसको ढक्कन लगा करके पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं मुझे और हमारी हल्दी भी अच्छे से गलने लगी है। तो अब मैं डाल देती हूँ जो हमने मटर लिए थे। और इसको चला देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, मटर को भी, और अब हम 5 मिनट इसको ढक्कन लगा करके पका लेंगे। इस बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। एक बार हम इसको चला देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इसको पकाते हुए मेरे को कम से कम 7 से 8-10 मिनट हो गए हैं और हमारी मटर भी यहाँ पर अच्छे से सीज गई है। तो अब मैं ये जो काजू लिए हैं वो अब मैं इस टाइम पर डाल देती हूँ ताकि हमारे काजू भी अच्छे से गल जाएंगे। वैसे तो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है लेकिन इसका अभी हमें पानी जलाना है इसलिए हम इसको थोड़ा खुला रख करके ही पकाएंगे 5 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स, हमारी सब्जी पकने लगी है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे पता नहीं घर में कौन सा पकवान बनाया जा रहा है। घी में बनाई है इसलिए इसका बहुत अच्छी फ्लेवर आ रहा है इसका। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी सब्जी बनकर रेडी है और देखिए पानी भी अच्छे से सूख गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितना धनिया लिया हुआ है, अब मैं इसको बारीक मैंने काट भी लिया है इसको और अब मैं सब्जी पर डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जो धनिया लिया था वो मैंने इस पे डाल दिया है और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ। यहाँ मैंने धनिया को भी मिक्स कर दिया है सब्जी में, देखिए कितने अच्छे। अगर आपको मेरी ये हल्दी मटर की सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो पर बने रहने के लिए।